ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या, कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। कोरोना वायरस महामारी के बीच न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्ते चीन के साथ खराब हुए हैं, बल्कि ताइवान और चीन के बीच भी तनाव काफी अधिक बढ़ गया है। बीते कुछ महीनों में चीन लगातार ताइवान को धमकी दे रहा है और अब कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक कहा है कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, युद्ध। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि आगे बढ़ने का सिर्फ यही रास्ता है कि चीन युद्ध की तैयारी शुरू कर दे और ताइवान को जल्द कड़ी सजा दे। अखबार का कहना है कि ताइवान की उदंडता बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले भी ग्लोबल टाइम्स अखबार ने लिखा था कि चीन के सैनिक ताइवान पर हमला करने का अभ्यास कर रहे हैं। अब अखबार ने लिखा है कि इतिहास में अहम मोड़ नजदीक आ गया है। अखबार ने लिखा कि ताइवान ने गलत दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बता दें कि ताइवान की संसद में दो नए बिल पेश किए गए हैं जिनसे चीन भड़क गया है। ताइवान के नए बिल में अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक संबंध दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। चीन को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि ताइवान का स्वतंत्र रूप से अमेरिका के साथ कोई संबंध हो। ताइवान के नए बिल में कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ संबंध बेहतर किए जाएं, लेकिन ग्लोबल टाइम्स अखबार का कहना है कि ताइवान के इस फैसले से उसका तुरंत अंत सुनिश्चित हो जाएगा। वही मुखपत्र ने हाल ही में अटल टनल को लेकर भी गिदड़ भभकी दी थी। ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था और लिखा था कि भारत को अटल टनल बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चूंकि इलाका पहाड़ी क्षेत्र है और घनी आबादी वाला है, इसलिए इसका निर्माण सिर्फ सैन्य मकसद से किया गया है। चीनी अखबार ने लिखा, अटल टनल खुलने से भारतीय सेना को सीमा पर कम समय में तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही सैन्य आपूर्ति भी इस सुरंग के जरिए ले जाई जा सकती है। ये सच है कि सुरंग के बनने से भारत के बाकी हिस्सों से ले पहुंचने में अब कम वक्त लगेगा। सेना की तैनाती और रणनीतिक चैनल के रूप में इसकी काफी अहमियत है। ये चीन का वो मुखपत्र है जो प्रोपेगेंडा चलाता है और अनाप शनाप छापता रहता है, इसलिए इसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।